बहुत बड़ी जीत है। जिस तरीके से लगातार बीजेपी ऐसे कानून लेके आई है और झुकी नहीं है, वो किसी बात के लिए झुकी नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन ने मजबूर किया उनको झुकने के लिए। तैयारी हो गई जी, सरकार ने रोकने में बथेरा कोशिश करा पर नहीं, अपने जोर के लाए जी पर हूं अपनी प्राप्त करके चले। जिन्ना कानून बना के ना MSP की सारी फसलों पर, हर भारत में सारी फसलों पर गिनती लेके फिर जाऊंगा या नहीं जाते। उसी के संदर्भ में जैसे किसानों का आगे प्रोग्राम था 26 तारीख का, 26 तारीख को एक साल मनाने जा रहा किसान, अब उस दिन के क्या मायने हैं? देखो किसान जैसे बंदियां देखो क्या कहानी, जो अपने हमारे आगो किसान नेता वो कहोगे इतना जीत उस दिन मानेंगे जिस दिन पार्लियामेंट में तीन काले कानून को रद्द किया जाएगा और MSP पर भी लिखित में बात रखी जाएगी। जो मांग किसान की है वो पूरी उसी दिन मानी जाएगी। बिल्कुल, सबसे पहली बात अगर हम अपने कुंडली की बात करें, यहाँ पे हम लोग इतनी हिम्मत नहीं थे कि हम लोग घर नहीं कर पाए। लोगों की मानसिक चेतना है जो वहाँ तक की सीमित थी कि हमें सिर्फ कंपनी में काम करना है। जो कानून आ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि सरकार पीछे लेगी, या सभी लोगों को ऐसा लगता था, लेकिन जब किसान आंदोलन होता है तो एक बड़ी सीख मजदूर लेते हैं और उसके बाद मोबिलाइज होना शुरू होते हैं। इस किसान आंदोलन की एक बड़ी जीत जो हमें देखने को मिली है, ये कहीं ना कहीं नए आंदोलनों को जन्म देगी और जो मजदूर आंदोलन है उसके लिए एक हिम्मत काम करेगी कि अगर कृषि कानून वापस हो सकते हैं लोगों की संख्या के बल पर तो लेबर कोड क्यों नहीं, क्योंकि ये तो बहुत सरासर नाइंसाफी है कि आप 8 घंटे का टाइम बढ़ा के 12 घंटे कर रहे हो। इस फतेह गज के जिनी आईते फतेह और जागते भी फतेह, असि फतेह दे जवाब फतेह दे देना जी।